पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के पीएम मोदी पर दिए गए बयान को लेकर आज बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। शुक्रवार को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। ऐसे बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मजाक बनकर रह गई है, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के मंत्री इस तरह के हास्यास्पद बयान देकर पाकिस्तानी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। के बिलावल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, ये एक वंश परंपरा और जिसके खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंशवाद के खिलाफ और तमाम प्रकार के जो परिवारवाद के खिलाफ जो देश के अंदर एक अभियान शुरू किया है, वह भी इसके पोषक रहे हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस प्रकार का बयान जहां 135 करोड़ भारतवासियों का अपमान है, वहीं पाकिस्तान की जो अंदरूनी राजनीति है, पाकिस्तान जो खोखला होता जा रहा है, बर्बादी के कगार पर खड़ा है, वो अपने पाकिस्तान के अंदर इतनी बातों का ध्यान दिया होता तो उन्हें इस प्रकार का बयान नहीं देना पड़ता।